बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे काय के बेटी का होगी जब बेटी बचाओ आई ये क्या हरिजना ने 5-5 किलो दाने देकर ने और उन्हें फिर वोट ले फिर उनकी बहु बेटियां ने पीटे वो भी हमारे को दुख आ रहा है। ये करे ना शोषण करे है जिस घर की मैं धड़ी कच्ची होगी ना सारे बाट कच्चे मिलेंगे। जब मोदी खत्म है धड़ी है तो सारे मंत्री संतरी सब कच्चे और इस दिल्ली को घेरेंगे और इस बेऔलाद प्रधानमंत्री को फिर झुकने के लिए मजबूर करेंगे। करेंगे को इन बेटियों की इज्जत की बजाय वो उसका एमपी पैरा है राजा गया बेऔलादों का राजा गया हरियाणा में हो रहा खट्टर के बेऔलाद को नहीं के बेरा उसने बेटी का के दुख उसने इनकार कर दिया उसकी इतनी हिम्मत कि खेल हरियाणा डेल पोते वाले सभी यूट्यूब फैमिली को गुरु नरवाना की राम राम भाई। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे स्वस्थ होंगे। आज हम आ रहे हैं भाई दिल्ली के जंतर मंतर पे आप देख सको तस्वीर हमें मैं कैमरा में दिखा दे भाई। आज का विषय है भाई जो पहलवान है पहलवान जो गीता फोगाट सिस्टर फोगाट है जो और अपना विनेश फोगाट है जो पहलवान है नेशनल फेडरेशन इंडिया के जो अध्यक्ष है ब्रिजभूषण जी उन पर आरोप लगाए हैं छेड़खानी का यौन शोषण का जो है आरोप उन पर लगाया है और उसी विषय में यहाँ पे है जो प्रोटेस्ट चल रहा है और हम यहाँ पे बात करेंगे जो यहाँ पे जो बैठे हैं बुजुर्ग आदमी बैठे हैं सभी संगठनों का साथ में मिला है इस पर प्रोटेस्ट को तो हम बात करेंगे यहाँ पे। राम राम तो राम राम के नाम तो अपना रणधीर सिंह की काड़ा कौन सा काम है गांव घीकाड़ा घीकाड़ा जिला चरखी दादरी अच्छा और सांगवान खाप का स्पोक्समैन अच्छा यो अपना जो पहलवान है यौन शोषण का मामला इस पे क्या प्रतिक्रिया आपके कहना चाहूंगा। हम तो न्यू कहना चाहूँ इन बेटियों को न्याय मिले जिन बेटियों ने इस देश की शान शौकत को सारी दुनिया में पहुंचाया इस तिरंगे को ओलंपिक में भी बड़े शान शौकत से गोल्ड मेडल लेके फहराया इस देश की इज्जत इतनी ज्यादा बढ़ाई दुनिया के अंदर आज उन्हीं बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है कितनी शर्म की बात है। और जो ये है इसके फेडरेशन के जो अध्यक्ष है वो ब्रिजभूषण जी है और बीजेपी के सांसद है और अभी अभी एक मामला हरियाणा का भी आया था महिला कोच पे जो खेल मंत्री अपने संदीप सिंह जी वो भी बीजेपी के हैं खेल मंत्री उन पे भी यही छेड़छाड़ गए जितने भी छेड़छाड़ गए यौन शोषण के हमें बीजेपी के क्यों मिला है मंत्री। देखो ऐसा है राजसत्ता का नशा होता है राजसत्ता का नशा हो रहा है और सारे प्रकरण को मैं तो मोदी को जिम्मेवार मानता हूँ। अगर वहाँ किसान जो कुचले और उस कुचलने के बाद भी अटॉर्नी मिश्रा जी आज भी गृह राज्य मंत्री की उस पे कुर्सी पे बैठे हैं अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसी दिन इसको बर्खास्त करके इसके खिलाफ 302 का मुकदमा है इसको जेल भिजवा देते तो न तो दाद हरियाणा वाला प्रकरण होता और न ये होता। अगर एक पे कार्रवाई नहीं होती तो हौसले बढ़ जाते हैं। आज आप देखो मैं आज सुबह अखबार में पढ़ा कि खेल मंत्री ने उस ब्रिजभूषण को कहा कि भाई आप रिजाइन करिए प्रधान पद से उसने इनकार कर दिया उसकी इतनी हिम्मत कि खेल मंत्री की इतनी हिम्मत कैसे कहाँ से मिल जाती है ये ऊपर से मिल रहे हैं कहीं ना कहीं मोदी का संरक्षण मिल रहा है। और भाई दुर्भाग्य इस देश का चाणक्य जी ने अपनी नीति में कहा है कि किसी भी देश का राजा बे औलाद नहीं होना चाहिए अगर संतान वाला राजा होगा तो उसको अपनी संतान किस प्रकार से संतान पाली जाती है किस प्रकार से घर चलता है किस प्रकार से देश चलता है और किस प्रकार से अपने बेटी बेटी को इज्जत सुरक्षित रखी जाती है ये तो मोड़ा का राजा गया बे औलादों का राजा गया हरियाणा में हो रहा खट्टर के भी औलाद को नहीं के बेरा उसने बेटी का के दुख हो सर बेटी की क्या इज्जत होती है। आप इतिहास में जाकर देखिए बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई इज्जत के लिए आदमी भूखा रह सकता है लेकिन इज्जत को नहीं खो सकता। अभी एक पत्रकार साथी मेरे से पूछ रहे थे कि अगर ये न्याय नहीं मिला तो आप कोई बड़ी लड़ाई लड़ेंगे मगर किसान आंदोलन से भी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे किसान आंदोलन तो पेट की लड़ाई थी ये इज्जत की लड़ाई है आदमी भूखा रह सकता है लेकिन इज्जत नहीं गंवा सकता। आज कितनी बेटियाँ ऐसी होंगी इस देश के अंदर लाखों लाखों जिनका एक सपना होगा कि मैं स्पोर्ट्स के फील्ड में जाकर अपना नाम करूं आगे बढ़ूं इस देश का नाम करूं अपने प्रांत का नाम करूं। और इस घटना से जिन बच्चों जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं उसके माँ बाप के ऊपर क्या
दिल के ऊपर क्या ठेस पहुंचेगी, डर बैठेगा। आज मैंने अपनी बेटी को इस फील्ड में उतार तो दिया, लेकिन बेटी की इज्जत तो सुरक्षित नहीं है। कितनी ही बेटियों को लोग वापस ले लेंगे कि भाई नहीं, स्पोर्ट्स में आपने नहीं जाना, वहाँ इज्जत सुरक्षित नहीं है। कितने बच्चों का भविष्य धूमिल हो गया इसी एक घटना से। और अफसोस है कि इसने, बेटी ने तो पहले भी बता दिया था नरेंद्र मोदी जी को, पहले भी बता दिया जब टोक्यो से आई कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कोचिज हमारे लिए छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि प्रधानमंत्री के बेटा बेटी नहीं है, इसलिए इन बेटियों की आवाज़ पर उसने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर प्रधानमंत्री जी बताने के बाद अगर कोई कार्रवाई कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। और तीन दिन हो गए प्रधानमंत्री जी एक लाइन भी नहीं कह सकते थे कि बेटियों इसको तो मैं पद से हटाता हूँ और आप जिस एजेंसी से चाहे उससे इंक्वायरी करवाते हैं, आपको न्याय मिलेगा, आप धरने से उठिए। लेकिन ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को इन बेटियों की इज्जत की बजाय वो उसका एमपी प्यारा है, वो एमपी प्यारा है। दुर्भाग्य है इस देश का। साथियों, इस इज्जत के लिए लड़ेंगे, आखिर सांस तक लड़ेंगे। बड़ा दुख है उस लड़ाई का, बेटियों की इज्जत के लिए लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो कल तो हमने दादरी जिले की सभी खापों की पंचायत बुलाई थी, और अगर न्याय नहीं मिला तो उत्तरी भारत की सभी खापों की सरवखा पंचायत बुलाकर और किसान आंदोलन से भी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। जिस प्रकार से चारों तरफ से खापों ने ट्रैक्टर लेकर किसान आंदोलन में चारों तरफ से घेर लिया था, ऋषि नरेंद्र मोदी जी को जो सत्ता में बैठे हैं इनको झुकने के लिए विवश किया था, वो तो पेट की लड़ाई थी। आज इज्जत की लड़ाई हमारी बेटियों की इज्जत पर डाला जा रहा है, उससे भी कई गुना लाखों लाखों की संख्या में फैसला लेकर और इस दिल्ली को घेरेंगे और इस बे औलाद प्रधानमंत्री को फिर झुकने के लिए मजबूर करेंगे करेंगे करेंगे। आप पहलवान का यौन सो सुनो है, अरे जो मंत्री है यू बीजेपी का है, ब्रजभूषण अध्यक्ष है यू इसका फेडरेशन का, भैया ऐसा है मेरे को ऐसा नजर आ रहा है, लोग तो कह रहे हमारा देश आगे जा रहा है, हमारा देश तो पीछे जा रहा है ये मोदी के कारण। अगर हमारे बच्चे नहीं जा, माँ बाप नहीं भेजेंगे वहाँ लड़कियों को लड़कों को, तो हमारा देश तो पीछे चले जाएगा, कौन ले आएगा तकलीफ नहीं मिलेगी ना। तो ये बहुत गलत है इस आयु आदमी, हमारा देहात में कहा था हरियाणा में रांडा मानो जिंदा भी सद है मराठ भी सद है, अरे ये टोटली रांडे बैठे हैं सारे डर ऊपर तला रहा है। ये तो जब तक नहीं समझेंगे ना, जब तक नहीं पार पड़ेगी। और ये क्या क्या करे, जातिवाद जातिवाद में मत फंसाएं हमारे को, हमारी गोत्र हर जाति में है, हर जाति में है, उनको हम समझाएंगे हम जाट हैं, पर हम ना हमारे को अम्बेडकर भी याद आ गया है, ठीक है, हमारा राजा था हर्षवर्धन बोध, इतिहास में कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा है। चरण सिंह कल था उसको भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये हमारे को तो बैक फीट में लेके जा रहे हैं। सर चौधरी छोटू राम ने भी कुछ पढ़ाया जाता है ना, इतिहास में पढ़ाया नहीं जा रहा है, इतिहास में तो चोरी सिखाई जाती है उसमें स्कूल में, तो हमारा देश तो पीछे जा रहा है। ये कहे था तो जो जितनी कही सभी उल्टी बकानी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हालात है इसके, शर्म आनी चाहिए इसमें। हैं प्रधानमंत्री जिस मंत्री ने जिसने ये कराया ना शोषण कराया है, जिस घर की मैं धड़ी कच्ची होगी ना सारे बाट कच्चे मिलेंगे, ये मोदी खत्म है धड़ी है तो सारे मंत्री संतरी सब कच्चे हैं, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और हम चोड़ लाग रहे सारे इकट्ठे हो ला रहे आगे, ये आगे बड़ा आंदोलन कर सका, अब बड़ा आंदोलन क्या इतना पूछे मत, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हम तो, क्योंकि इज्जत का बात आएगी, इज्जत बेटी की इज्जत की बात आई। ये क्या हरिजना ने 5-5 किलो दाने देकर ने अरुण ने फिर वोट ले फिर उनकी बहू बेटियां ने पीटे, वो भी हमारे को दुखा रहा है, उनको भी समझाएंगे, सबके साथ हो रहे हैं, सारी कष्ट सबके साथ हो रहे हैं, उनको भी राशन कार्ड कट दिए सर, हाँ हमारे साथ में होंगे, वो भी होंगे सारे होंगे, हम एक कड़ा पूरा हरियाणा जोड़ के लेकर आएंगे। अपना बताओ हरियाणा का खेल मंत्री संदीप सिंह, उस पे भी महिला कोच को यौन शोषण का मामला आया है और वो पत्ता हटाया को नहीं, अरे हरियाणा का हो चाहे कोई भी हो ना हटावे, इन्हें कदे को हटाया है, वो तो कांग्रेस ही हटा देती थी, ये न्याय होता था बहुत धर्म में, मतलब इनकी लगाई चोरी की इज्जत को, मतलब सांसद की है। इंडिया की लड़की की कोई इज्जत नहीं, अच्छा सांसदों की इज्जत है मोदी को, ये तो नुगम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे काय के बेटी इसका होगी जब तो बेटी बचाओगा, अपनी इसका हो ना तब बेटी से पता लग गए, बेटी की इज्जत क्या होती है, इसका बेटा ना बेटी।
इसने तो अपने हिसाब से कानून बने बैठाने अपने हिसाब से काम कर रहा और लोग बेवकूफी कोई देश आजाद अगली देश आगे काली पीछे लेके जा रहे हैं। कहाँ से आएंगे हमारे पास में पदक पदक कैसे आएंगे? सब अपने बच्चों घर बैठा लेंगे क्या यही चाहते हैं? माँ बाप अपने बच्चों ने भेजे को नहीं कोई भेजे कोई नहीं भेजा भेजा कोच भी यार इसके अध्यक्ष सारे बहन चाहिए ऐसे नकली हैं बहुत गलत आदमी है ये सारा का सारा गलत सौदा हो रहा है। अगर जितनी जल्दी बच्चा था उतना ही बढ़िया है मेरे समझ में आ रही है मोदी ने हटने के को कहा था मेरे समझ में आ रही है ओबीसी मायावती केजरीवाल चौटाला परिवार ये सब बीजेपी को बनाने वाले पार्ट है इनको भी छोड़ दो। गठबंधन की सरकार बनाओ गठबंधन की सरकार बनाओ ये गठबंधन में नहीं आएंगे ना मायावती है ना केजरीवाल है और ना ओबीसी है गठबंधन में नहीं आएंगे तो ये तो वोट काटनी है वोट काटनी है। अरे भाई हम तो सरकार कौन सी देखा हरियाणा में तो सरकार कौन सी बनाओगे सरकार है। सरकार तो भाई के बताई में बाद में पता लगेगा लोग बिक जाते हैं ये खरीद लेते इनके पास पैसा है। अच्छा मैंने बता अगर ये मांग अपनी नहीं माननी आज आंदोलन आग का बड़ा रूप लेगा तो बाहर मन के लिए तैयार है कभी भी कह देंगे लोग बच्चे उसी टाइम बच्चों के लिए आ जाए बुढ़े हम अपनी माँ बहन की इज्जत बचाने के लिए मर सकते हम हमारी बेटियों की इज्जत के लिए ये हमने कह दिया है। ठीक है भाई तो ताऊ जी से करी थी हमने बात यहाँ पर जंतर मंत्र पर हम आए हुए हैं भाई कहना है भूखे मर सका हाँ लेकिन इज्जत भी नहीं रह सकते अपनी इज्जत अपनी मान सम्मान के लिए हम अपनी जान भी दे सका और ले सका अगर इस जो यह शर्मनाक यह घटना है हरियाणा में संदीप सिंह है जो खेल मंत्री था उस पर भी आरोप है जो कोच है उसको छेड़खानी के यौन शोषण करने के और आज यहाँ पर बबीता गीता फोगाट विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सभी है जो धरने पे लगातार बैठे हुए हैं आज तीसरा दिन है और सरकार की तरफ से कोई मांगे नहीं मानी गई है और जो ब्रिजभूषण है फेडरेशन जो है उसका जो अध्यक्ष है वो ब्रिजभूषण है और उस पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं और विनेश फोगाट ने किया भी है और मैं बता दूं विनेश फोगाट साक्षी मलिक गीता विविता फोगाट ये वो लड़की है जिन्होंने हमारा देश का मान सम्मान बढ़ाया था गोल्ड मेडल लेके सिल्वर मेडल लेके ब्रॉन्ज मेडल लेके इंडिया को एक बहुत बड़े पद्धर पर रिप्रेजेंट करने वाली ये लड़कियां हैं और आज वे एक मुसीबत में है उनका यौन शोषण किया गया और जब टोक्यो से विनेश फोगाट आई थी तो जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी है उनसे मिली थी और शिकायत भी की थी कि अब ऐसे ऐसे जो फेडरेशन के अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है जो लोग उनके द्वारा उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया कोई कार्रवाई नहीं की और आज ये दिन देखना पड़ा जो पहलवान है सारे पहलवान है जो आज जंतर मंतर पर दिल्ली में जो जंतर मंतर है वहाँ पर आए हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी मुख्य मांगे सिर्फ यही है जो अध्यक्ष है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जावे कोई कमेटी बिठाई जावे और निष्पक्ष इसकी जांच जो करवाई जावे और जो दोषी है उसको सजा दिलवाई जावे। कैमरामैन विंदर के साथ में गुरु ग्रोवर जय हिंद जय भारत।